आपको भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते, और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैक डेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लीपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं, जो लीपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी ली होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपको, आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूं, इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 23 अक्टूबर 2024, इट इज रिटरेटेड दैट ओनली दो, यहां लिखा है रिडंडेंट, और यानी कि जो रिडंडेंट पोस्ट हैं उनका जिक्र किया है, पहली नोटिफिकेशन में रिडंडेंट का जो है उसका जिक्र ही नहीं है, जो पोस्ट है रिडंडेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश करने, अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर यूज इन द सेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ एनी मोर पोस्ट आर टू बी क्रिएटेड अफ्रेश इवन विद द चेंज्ड नॉमेनक्लेचर एज पर देयर नीड्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट प्रपोजल टू बी मूव्ड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट इमीडिएटली, यानी कि उस पर लिपा पोती डालने के लिए, उसको पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटिफिकेशन आज निकाली गई कि जो रिडंडेंट पोस्ट हैं उनको हम समाप्त करने के लिए हम कहे हैं। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आज के दिनों में जारी जो हो रही है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद दूसरी नोटिफिकेशन जो है वो करेक्शन करने के लिए, पर्दा डालने के लिए, लीपा पोती डालने करने के लिए करने की कोशिश, ये हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति है। और हैरानी की बात होती है कि हिमाचल प्रदेश में, मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली जो नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन मैंने की, और उसके बाद उसी डेट से, बैक डेट से तो उसको विड्रॉ करने की बात, उसको करेक्ट करने की कोशिश की है, और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है, और जो मुख्यमंत्री हमको सलाह देते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो जानकारी नहीं रखते हैं, आपने सीरियल नंबर 26 के जो सेक्शन में जो चेंजेस की है उसमें, वो नोटिफिकेशन मेरे पास है, और उसमें जो फ्रेट रेट विद पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के साथ का जो फ्रेट रेट है, और वो 0 से 5 किलो तक जो 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फेयर किया आपने, और उसके बाद 6 किलो से 40 किलो 6 to 40 kg हाफ ऑफ द पैसेंजर फेयर, एंड थर्ड जो है उसमें 41 to 80 kg 1 पैसेंजर फेयर, ये आपकी नोटिफिकेशन है। आप किसको बोल रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता, हमको जानकारी नहीं आती है, हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो आगे जो उसका अगला कॉलम जो है, इसका थर्ड कॉलम जो है, जो फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर, वो भी इसमें आपने जिक्र किया हुआ है, जिसमें 0 से 5 किलो मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फिर वो आपने रखा हुआ है, 6 से 20 किलो का रखा हुआ 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर, और 21 से 40 किलो का आपने किया है जो है 1 पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है, और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर, यानी कि एक किराया जिसका एक आदमी का जो किराया है उसको दुगना किराया किया हुआ आपने। नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो खासतौर से मैं आपको ये सारी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसमें फिर क्या बोलेंगे कि 2012 में जो नोटिफिकेशन धूमल जी के सरकार के, बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी, हम उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में ही जिक्र किया था, ये बोलते रहेंगे, उस वक्त कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसमें जिक्र किया गया है उसमें, और 2012 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो टेम्परेरी नेचर की जो सभी पोस्ट जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं और 5 साल से भरी हुई हैं,
उन्हें परमानेंट करने की उसमें जो है वो बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन, तो 5 साल से हैं, पोस्टें भरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको परमानेंट बनने के लिए जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात कही।